जादूगर मैं हूं, अमित शाह के बेटे ने 3 साल में 50 लाख से 80 करोड़ कैसे बना दिए। कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापत की चुनावी सभा में 14 मिनट तक रुके गहलोत, भाजपा की खामियां गिनाई। बाड़मेर, बालोतरा, अपने को देश का चौकीदार बताने वाले प्रधानमंत्री की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया कि 50 लाख लगाने वाले अमित शाह के बेट की इनकम 3 साल में बढ़कर 80 करोड़ कैसे हो जाते हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया है, हमें भी तो बताएं, जादूगर तो मैं हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में गरीबों से रोजगार छीन लिया। इस राज्य में बच्चों, भूमाफिया व शराब माफिया का इनका पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पुराना बस स्टैंड पर कांस के पचपदरा विधानसभा प्रत्याशी मदन प्रजापत की चुनावी सभा में यह बात कही। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस संस्कार, संस्कृति व अनुशासित पार्टी है, उनके यहां गिरेबान पकड़ने या गुंडागर्दी की सीख नहीं दी जाती। भाजपा में गुंडागर्दी की राजनीति की है, आम गरीब व किसान की सुध नहीं ली जा रही है। हमारी सरकार में अकाल पड़ा तो जगह जगह चारा डिपो खोले गए, हर घर में गेहूं की बोरियां पहुंचाई गई। तब वसुंधरा कहती थी कि अशोक गहलोत दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहा है, अगर जनता के दुख में भागीदारी के लिए मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो कोई ऐतराज नहीं। राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने दोबारा किसी कार्यक्रम का शिलान्यास किया हो। रिफ इमरी हमारी सौगात थी, लेकिन वसुंधरा सरकार ने इसे 4 साल तक अटका रखा, आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोबारा शिलान्यास करवाया। मैं मारवाड़ क्षेत्र से आता हूं, इसलिए वसुंधरा ने इस क्षेत्र से उपेक्षा की, विकास का एक भी कार्य नहीं करवाया। अब कांग्रेस की सरकार बनी तो विकास के बहुआयाम स्थापित किए जाएंगे। पनावड़ा न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। बर्बाद कर दिया आपने, उसके बाद फिर वापस बुलाया, मोदी जी को बुलाया, कार्य शुभारंभ के अवसर पर आ रहे हैं। जब मैंने ऐतराज किया नहीं बुलाओ उनको, पहले हो चुका शिलान्यास, मंत्र पढ़े जा चुके हैं, तो कार्ड नहीं छपे, कार्य शुभारंभ के अवसर आएंगे। अभी करीब 1 साल में आया है, खाली दीवार बनी है, वहां पर कुछ नहीं हो पाया, तो आप सोच सकते हो। राजस्थान के अंदर मैंने कहा इस प्रकार से हम लोगों ने सेवा करी राजस्थान की, तो पिछले चुनाव में ऐसा माहौल बन गया, मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, आज तक 1 रुपये लेके नहीं आया है, 1 रुपये लेके नहीं आया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नोटबंदी जरूर कर दी, सबको लाइन में लगा दिया, कोई काम नहीं, 1600 करोड़ में खरीद लिया। आप कल्पना करो, देश जवाब चाहता है, मोदी जी से कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अमित शाह के बेटे जो है 50 लाख रुपए जमा करवाए धंधा, तो उन्होंने पूरे देश के नौजवानों को बताया, वो जादू कम देखो, वो भी तो पैसा कमाए, उनके परिवार में बेटा क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम है। अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, परसों कह दिया जयपुर में, बीकानेर में, कि कोई वोट मांगने आवे आपको, आप उनके गिरेबान पकड़ लो। एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कानून तोड़ने की गुंडागर्दी के लिए भड़काने की बात करे, शांत करने के बजाय, इससे बड़ा निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। जो उसने किया उसको माफी मांगनी चाहिए, देश इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों की पाबंदी लगानी चाहिए, नोटिस देने चाहिए उसको, गिरेबान पकड़ लो। अगर गिरेबान पकड़ेंगे एक दूसरे के आपस के अंदर, देश के अंदर, तो देश कहां जाएगा, कोई सोच सकता है? कोई पार्टी करते ऐसी बात नहीं करते जो अमित शाह जी ने करी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है, पहली मीटिंग है, मंदिर प्रजापति ने हेलीकॉप्टर उतरा दिया कहीं और जगह पर, फोटो उतराना चाहिए था, मैं भागूंगा वापस, तब जाके मेरी पूरी मीटिंग होगी, वरना आगे वाले लोग तकलीफ आएंगे। मैं आपको यही आह्वान करूंगा, हरीश चौधरी जी आए हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, दोनों नौजवान हैं, लंबा इनका।